टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जोरदार स्पीच दी। इस पल का वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक अकाउंट पर पोस्ट किया है। बाबर के साथ इस दौरान टीम के मेंटोर मैथ्यू हेटन ने भी पाकिस्तान टीम का काफ़ी हौसला अफजाई करते हुए नज़र आए। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर को टीम इंडिया ने विराट कोहली के नाबाद 68 के दम पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। कोहली ने 53 गेंदों पर शानदार 92 रनों की शानदार पारी खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा शेयर की गई वीडियो में बाबर आजम कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाइयों बहुत अच्छा मैच हुआ, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया। हर बार मैं ये कहता हूँ कि हमने प्रयास किया है, हमने कुछ गलतियाँ की, हमें उनसे सीखना है। हमें अभी गिनना नहीं है क्योंकि टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है और बहुत मैच बाकी है। कोई भी अपना हौसला ना गिराए। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये कहूँगा कि हम किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं हारे, हम सब हारे हैं। कोई किसी पर उंगली ना उठाए कि उसने हराया है या मैंने हराया है। यह नहीं होना चाहिए, यह इस टीम में नहीं होगा। एक टीम के रूप में हम हारे हैं और एक टीम के रूप में हम जीतेंगे। हमें एक साथ ही रहना है, ये याद रखना। हमने कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है तो वो भी देखो। बाकी जो हमने जो छोटी छोटी गलतियाँ की है वो गलतियाँ हमें सुधारनी है और एक टीम के रूप में उस पर काम करना है। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और एक बार बाबर आजम ने गेंद मोहम्मद नवाज के हाथों में थमाई। नवाज आखिरी ओवर में प्रेशर नहीं झेल पाए जिस वजह से टीम को हारकर सामना करना पड़ा। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में दोनों टीमों के बीच में एक टीम का हारना तो तय है, जैसे कि कल इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हुआ। बाबर आजम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।